ओके, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो देखिए आपको थोड़ा सा इसमें मैं बता देता हूं। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है जब हम ग्राउंड से टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो क्या होता है, वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए ये टावर है, ठीक, और ये कोई पॉइंट है, ठीक, ये कोई पॉइंट है और ये इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ग्राउंड से हम टॉप को देख रहे हैं तो ये जो एंगल होगा ये आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन, ठीक, और टॉप से अगर ग्राउंड को अगर हम देख रहे हैं, ठीक, अगर हम टॉप से ग्राउंड को देख रहे हैं, टॉप से अगर ग्राउंड को देख रहे हैं तो ये जो आपका एंगल होता है ये आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। ठीक, टॉप से अगर ग्राउंड सरफेस अगर हम देख रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, ये आपकी बस जानकारी के लिए है। अब देखिए ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, इसीलिए ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये आपकी जानकारी के लिए है, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं, आप अगर इसे नोट करना चाहें तो आप इसे अलग से नोट कर सकते हैं। ठीक, इसमें थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, टू सी टॉप फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, टू सी bottom from top। ठीक, अब देखिए bottom मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। ठीक, अगर टॉप से अगर हम इस पॉइंट को अगर हम देख रहे हैं तो ये जो आपका रहता है ये आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, ये इंफॉर्मेशन होती है। ठीक, आप इसको चाहें तो आप कहीं अलग से नोट कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है इसको मैं शुरू कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले तो हम फिगर बना लेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक, तो देखिए ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो ये ट्राइंगल आपका ए बी सी। ठीक, ये जो एंगल होगा, अब ये टावर है, ठीक, टावर है तो ये बिल्कुल वर्टिकली वर्टिकल होगा, तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, तो ये टावर की हाइट हमको पता करनी है, ठीक, h, ठीक, और इसकी डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस हमें दे रखी है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक, ये आपका कितना है, ये 30 मीटर है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, इन द गिवन फिगर बीसी इक्वल टू हाइट ऑफ टावर एच, एच
ठीक, इसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूं, और ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अवे फ्रॉम फुट टावर इक्वल टू 30 मीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, और एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, इसको भी लिख लेते हैं, एंगल एलिवेशन इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए टेन एंगल, टेन एंगल बी ए सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक, तो देखिए ये हमारा कितना है, ये बी ए सी, तो ये है आपका टेन, ये है आपका 30 डिग्री। ठीक, और BC आपका कितना है, BC है आपका, BC है आपका 30। ठीक, ठीक, BC हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, BC आपका H है। ठीक, BC की जो लेंथ है, ठीक, जो हाइट है आपकी कितनी है, H है। ठीक, AB आपका 30 है। ठीक है, अब देखिए तो यहां तक हमने सॉल्व करा है, तो देखिए ये 1/√3, 10/30 की वैल्यू 1/√3, और ये h अपॉन 30। ठीक, तो देखिए ये आपका कितना हो गया, हाइट आपकी हो गई 30/√3। अब देखिए क्या करेंगे, रूट थ्री का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू 30√3/3, तो जो हाइट आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 10√3 मीटर। ठीक, अब देखिए रूट थ्री की यहां पर वैल्यू रख लेंगे, तो ये आपका 10 × 1.732। ठीक, तो ये आपका h इज इक्वल टू 17.32 मीटर। ठीक, आप अगर पेपर में, पेपर में देखिए अगर ये बोला है कि पॉइंट के 2 और 3 डिजिट तक नहीं दिया है, तो आप यहां तक सॉल्व करके भी आप अपना आंसर छोड़ सकते। ठीक, और लेकिन हमें रूट थ्री की एग्जैक्ट वैल्यू पता है और ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल है कि अगर इसकी वैल्यू 1.732 रखेंगे तो ये जो पॉइंट है वो एक पॉइंट पीछे थोड़ा खिसक जाएगा, तो ये आपका 17.32। ठीक, जब कैलकुलेशन आसान है तो हम इसको कर ही सकते हैं।